कभी बहुत सारे जेम्स के लिए एक जेंसा भी काफी है, तो हर रोज 9:30 बजे आपको जेम्स देने वाले जेंसा हमारे साथ तैयार है। बताएं सर। असली इंडिया ग्लास ये स्टॉक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट कैप वाला जेंस आपके जेम्स में इंक्लूड किया हुआ स्टॉक होगा, 10,600 करोड़ की मार्केट कैप वाला है तो, बट 613 से करेक्ट हुआ है तो 490 और 530 के टारगेट के लिए स्टॉक को मैं लाया हूं। और हैप्पी होली अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, दीप जी को एंड सारी हमारी टीम को। और आज तो जो माहौल बना सुबह सुबह 9 बज के आई थिंक 5 मिनट में देख के मजा आ गया, और उसी कपड़ों को देखकर मैं वापस से सोचा कि मैं आज यही कपड़े पहन के जाऊं और साथ में ये लगाऊं और गुलाल साथ में फील लेके जाने। नहीं नहीं वो तो सब शादी के कपड़े पहन के आए, उनकी सुबह खिंचाई होगी, तो आपको लेट आने का ये फायदा है। आपने सोचा कि मैं शादी टाइप वाले नहीं, होली वाले। ओ, हमको सब पता है जैसा, अब इतने साल हो गए, कितना 2012 से जानता हूँ आपको, अब तो हाँ अब तो रग रग से वाकिफ हूँ, क्या बात कर रहे हो आप। 2012 नहीं अनिल जी, आप 2008-9-10 से जानते हो, 2012 तक तो मत। हाँ करेक्ट, जोड़ी फेमस हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है अशाई इंडिया ग्लास, इसकी मतलब कुछ और बताना बाकी है? बैकग्राउंड बता देता हूँ। हमें भी बीच में जो भी छोटे मोटे काम निपटाने होते हैं, तो जैन साहब जब बोलते हैं उसके बीच में निपटाते हैं हम। लेकिन जैन साहब आप जल्दी से बोलो, उसके बाद आपके लिए कुछ खास है मेरे पास, पहले आप बताइए इसके कंपनी के बारे में जल्दी से बता दीजिए। देखिए ये स्टॉक एक डोमिनेंट प्लेयर है इनफैक्ट ऑटोमोटिव और आर्किटेक्चरल ग्लास सेगमेंट्स में, जो भी ग्लासेस देखते हैं बिल्डिंग्स में लगे हुए, तो बिल्डिंग मटेरियल्स और होम इंप्रूवमेंट बिजनेस पे मैं वैसे ही बहुत बुलिश हूं। और देखिए मैंने जैसा कहा कि 613 से करेक्ट हुआ हुआ है और बेहतरीन रिजल्ट्स दे रहा है, इनफैक्ट पिछले 5 साल की जो कैगर है 8-9% की रही है, और चूंकि ऑटोमोटिव सेगमेंट ऑटो इंसिलरी नहीं चल रहे तो थोड़ा सा स्लो रहा है, बट अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जबरदस्त करेगा। एक जॉइंट वेंचर है ये लाब्रू फैमिली और असाही ग्लास जो जापान की कंपनी है, और मारुति उद्योग उसका भी, मारुति का भी 11% के लगभग स्टेक है इसमें, और 74 करोड़ का पैट था दिसंबर 2020 में, उसके सामने 100 करोड़ का पैट कंपनी ने दिया है। और मुझे जो सबसे बढ़िया बात और लगती है कि मैं देख रहा था कि 300 करोड़ का पैट टीटीएम बेसिस पे कंपनी ने कमाया है, जो कि हाईएस्ट एवर और फैंटास्टिक है, मतलब जनरली 130-150 करोड़ रुपया कमाने वाली कंपनी और इस तरीके से कमा रही है, और आगे आने वाले दिन तो और भी बेहतर होंगे। और 54% प्रोमोटर्स की स्टेक है, जिसमें मैंने बता दिया कि असाही का 22 है, 11 मारुति का है, और FISDIS भी 1.5-2% के लगभग होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये स्टॉक और बढ़िया करेगा, डोमिनेंट प्लेयर तो है ही है, और ओवरऑल इस स्टॉक को ले और 490 और 530 का टारगेट, 490-530 दो टारगेट के लिए करें खरीदारी। ये आपके लिए असाई इंडिया। तो जैन साहब कोई जल्दी तो नहीं ना आपको जाने की? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है सर, बताइए। होती तो भी मैं बोलता था दूसरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रुकिए आप, रुकिए थोड़ी देर, आप हमारे साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा आप जब जब भी विंडो में आए तब दिखाते रहिएगा, हो सकता है बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछ लूं, थोड़ी देर आपको रुकना।